राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में मंगलवार शाम एक क्विंटल बूंदी का भोग लगाकर कोरोना संकट खात्मे के लिए विशेष प्रार्थना के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। मंदिर के पुजारी पंडित रत्नेश शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना खात्मे की कामना को लेकर लॉकडाउन समाप्ति के बाद से ही लगातार 21 मंगल तक मंदिर परिसर से बूंदी का वितरण किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पंडित शास्त्री ने आगे बताया कि मंदिर परिसर में हनुमान जयंती के पूर्व 56 भोग के साथ ही 108 दीप की अखंड ज्योत से अखंड रामायण का पाठ और श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। आज हम लोग जब से लॉकडाउन समापन हुआ है उसकी खुशी में कि लॉकडाउन खत्म हो गया, हनुमान जी से प्रार्थना की है कि कोरोना बिल्कुल जल्द से चला जाए। और आज 21 मंगल जो कि पूर्ण हुए हैं बूंदी बांटते, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है कि आज 21 मंगल को हनुमान जी का विशेष बूंदी प्रसाद वितरण किया गया है। एक क्विंटल बूंदी का प्रसाद यहाँ से प्रसाद अनंत चौबे जी द्वारा और अन्य जो भक्त हैं उनके द्वारा यहाँ प्रसाद का भोग लगाया गया है। आज के इस प्रसाद के कार्यक्रम में कोई जनप्रतिनिधि भी भाग लिया क्या? जनप्रतिनिधि को हमने किसी व्यक्ति को यहाँ नहीं बुलाया गया। हमारे डॉक्टर साहब राम दुबे हैं, अन्य जो यहाँ के कॉलोनी के हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया गया, उनके द्वारा ये सेवा की जाती है, इसलिए जनप्रतिनिधि के यहाँ कोई विशेष वो नहीं दिया गया। आज के इस जो यहाँ का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया धार्मिक, इसमें कितने जनप्रतिनिधि यहाँ के रहवासी कम से कम 25-30 लोग यहाँ के जो हैं वो प्रायः आते हैं हर मंगलवार को, और जो भी है यहाँ के अन्य भक्त हैं जो कॉलोनी से जुड़े हैं वो निश्चित मंगलवार शनिवार को अपनी सेवा देते हैं। और आज जिन्होंने जो सहयोग दिया है वो सबने इसका विशेष बूंदी प्रसाद के लिए विशेष सहयोग दिया है। और जो हनुमान जयंती आ रही है उसमें हनुमान जी को 56 भोग और 108 दीपक की अखंड जो से अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा और राम कथा का आयोजन किया जाएगा 27 अप्रैल के पहले।